Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, present perfect continuous tense. आपने सुना होगा, अच्छी तरह से आप जानते भी होंगे इसके बारे में. ये क्या होता है? Present perfect continuous tense means इसमें जो sentences आते हैं उसे हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या लगा कर बनाते हैं, आज हम यही सीखेंगे. Okay friends, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे पिछली क्लास में दिए गए sentences के English अनुवाद. तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इसे मैच करके आप जहां पर भी गलतियां हो वहां पर सुधार लीजिए. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान के नियम क्या है? इसकी पहचान के नियम है, जब सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ऐसा रहता है तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. बट हम ज़्यादातर जब हम बातचीत करते हैं तो वैसे में हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अंत में खाली रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा रहता है, बट उसमें समय दिया रहता है, टाइम ऑफ पीरियड का वर्णन रहता है. ओके फ्रेंड्स, सो हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जैसे एक सेंटेंस है, वह खाता रहा है. ओके, कोई भी काम लंबे समय से कंटिन्यूअस है उसका और अभी तक जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. ओके फ्रेंड्स, कोई भी काम शुरू किया गया है उसको लंबे समय से कंटिन्यूअसली करते रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. ठीक है, वह खाता रहा है, इससे साबित होता है कि कोई भी चीज़, चाहे जिस चीज़ के बारे में भी बात किया जा रहा हो, मांस खाता रहा है या कुछ और मिठाइयाँ खाता रहा है, मैंने खाता रहा है मतलब वो, तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो जारी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. ओके फ्रेंड्स, अब इसमें अगर समय देते हैं तो समय से पता चल ही जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जैसे वह चार दिनों से उस पेड़ को काट रहा है, रही है, लास्ट में हो और उसमें समय दिया भी हो तो उसको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सीधा सीधा पहचान में आ जाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो इसके बनाने के जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. ओके फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं तो पहले भी लिख सकते हैं, फिर सिंस फॉर को बाद में, और टाइमिंग लास्ट में ड्यूरेशन रहेगा, जो टाइमिंग दिया रहेगा. हम बनाते हुए समझते हैं, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, तो अब ये मत सोचना कि इसमें समय नहीं दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है. ये कोई भी काम कंटिन्यूअस करने की बात इसमें दिखाई जा रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. तो ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग, वह चार दिनों से उस पेड़ को काट रहा है. ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज बीन कटिंग दैट ट्री. अभी चार दिनों से है, इसके पहले वाले टेंस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल बताया था, तो सिंस फॉर का जब इस्तेमाल बताया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस फॉर क्या होता है और कहाँ लगाते हैं हम. ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल में अभी कन्फ्यूज़न है तो ये रहा चार्ट, आप इसको चार्ट जाओ, इस चार्ट को, और अच्छी तरह से आप याद कर लो, इसको पढ़ लो, समझ लो कि कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर. ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं. तो उस पेड़ को कितने दिनों से काट रहा है? चार दिनों से. दिनों की चर्चा है, दिन का नाम नहीं दिया है कि मंडे से है या संडे से है या ट्यूसडे से है. चार दिन है, कुछ दिन, चार दिन, बहुत दिन, ऐसा रहेगा तो उसमें हम फॉर लगाएंगे. फॉर, फोर डेज. ही हैज बीन कटिंग दैट ट्री फॉर फोर डेज. ओके फ्रेंड्स, वे लोग 2010 से ही शहर में रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी. कब से रह रहा है? 2010 से. यानी कि इसमें परफेक्ट टाइमिंग दिया है, साल का नाम दिया है. अगर साल का नाम नहीं देता
दो सालों से, चार सालों से, कुछ सालों से, बहुत सालों से ऐसा रहता तो इसमें फोर लगता, बट इसमें साल का नाम दिया है तो सिंस ही आएगा, सिंस। ओके, तुम सुबह से खड्डा खोद रहे हो, यू हैव बीन डिगिंग। पिट, पिट मीन्स खड्डा होता है। अभी सुबह से, तो मैंने बताया था अभी चार्ट में भी कि सुबह से, शाम से, कल से ऐसा रहेगा तो इसमें सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अभी अगर इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन नोट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव, वह खाता नहीं रहा है, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग। वह चार दिनों से उस पेड़ को नहीं काट रहा है, ही हैज़ नॉट बीन कटिंग दैट ट्री फॉर फोर डेज। नॉट आपको हैज के बाद ही लगाना है, बीन के बाद नहीं लगाना है। ओके फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट बीन कटिंग दैट ट्री फॉर फोर डेज। वे लोग 2010 से शहर में नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट, इधर लगेगा फिर बीन, नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। तुम सुबह से खड्डा खोद रहे हो, तो तुम सुबह से खड्डा नहीं खोद रहे हो, यू हैव नॉट बीन डिगिंग पिट सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, क्या हुआ खाता रहा है, तो हैज और हैव पहले आ जाएगा, जो भी हैज और हैव है वो पहले आ जाएगा अगर क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस होगा तो। जैसे क्या हुआ खाता रहा है, हैज ही बीन ईटिंग। क्या हुआ चार दिनों से उस पेड़ को काट रहा है, हैज ही बीन कटिंग दैट ट्री फॉर फोर डेज। क्या वे लोग 2010 से शहर में रह रहे हैं, हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस दो 2010। क्या तुम सुबह से खड्डा खोद रहे हो, हैव यू बीन डिगिंग पिट सिंस मॉर्निंग। अभी क्वेश्चन वर्ड, अभी क्वेश्चन वर्ड में हम कुछ भी क्वेश्चन लगाकर बना सकते हैं, जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब आता है तो उसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। जैसे वह क्यों खाता रहा है, व्हाई हैज ही बीन ईटिंग। वह चार दिनों से उस पेड़ को कैसे काट रहा है, हाउ हैज ही बीन कटिंग दैट ट्री फॉर फोर डेज। वे लोग 2010 से इस शहर में क्यों रह रहे हैं, व्हाई हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। तुम सुबह से खड्डा क्यों खोद रहे हो, व्हाई हैव यू बीन डिगिंग पिट सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्वेश्चन नोट बनाएंगे। अभी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, वे लोग दो दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज। मेरी गाय चार महीनों से दूध नहीं दे रही है, माय काउ हैज नॉट बीन गिविंग मिल्क फॉर फोर मंथ्स। मेरा भाई पिछले साल से मुंबई जाता रहा है, यानी कि जा रहा है, माय ब्रदर हैज बीन गोइंग टू मुंबई सिंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल, पिछले शनिवार, पिछले महीना ऐसा रहता है तो हम उसमें मोस्टली सिंस का इस्तेमाल करते हैं। टीचर कुछ दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर सम डेज। तुम कब से इस शहर में रह रहे हो, अगर कब से आता है तो कब से के लिए सिंस व्हेन पहले ही लिखना है सेंटेंस की शुरुआत में। तुम कब से इस शहर में रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। वह कब से मांस खा रहा है, सिंस व्हेन हैज ही बीन ईटिंग मीट। तुम कब से दूध पी रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन ड्रिंकिंग मिल्क। क्या वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज। हैज ही नॉट बीन बोलने की बजाय हम हैजंट भी बोल सकते हैं, तो हैजंट ही बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज। वे लोग कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्रबलिंग मी फॉर सम डेज। तुम कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रहे हो, Why have you been doing this for some days? वह शनिवार से स्कूल नहीं आ रहा है, He has not been coming to school since Saturday. तुम्हें दो हफ्तों से कौन परेशान कर रहा है, Who has been troubling you for 2 weeks?
मैं फरवरी से मुंबई में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस फरवरी। इसमें महीना का नाम दिया है इसलिए सिंस लगेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं बचपन से कार चला रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस चाइल्डहुड। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने सिंस, फॉर और बीन का इस्तेमाल बता दिया था, तो इससे और भी ईजी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका आंसर बताते हैं उससे आप टैली भी ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको सचमुच में इंग्लिश सीखना है, सचमुच में सीखना है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस तरह से, इस वे से अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आप बहुत जल्द ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।